माई सिस्टर माइट मतलब शायद मेरा लैपटॉप मेरी बहन ने यूज किया होगा देखिए जब भी हम किसी पे शक करते हैं तो हम माइट का यूज करते हैं जैसे मेरा पेन टूट गया है तो अगर मुझे अपनी बहन पे शक करना है कि पेन मेरी बहन ने तोड़ा होगा तब हम माइट हैन का यूज करेंगे जैसे ये पेन मेरी बहन ने तोड़ा होगा माई सिस्टर माइट है माई पेन ये चैनल आपने सब्सक्राइब शायद किया होगा यू माइट हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल ये गेट मेरी बेटी ने खोला होगा माई डॉटर माइट हैव ओपेंड दिस गेट मेरे पैसे शायद मेरी वाइफ ने चुराए होंगे माई वाइफ माइट हैव स्टोलन माइम पर्स तो जब भी हम किसी पे शक करेंगे कि ये काम शायद उसने किया होगा तो हम उसका नाम लेकर बोलेंगे माइट हैव डन दिस थिंग अभी मैं आपको पांच शक करके बताता हूं मेरा क्या क्या काम किस किस ने बिगाड़ा है सिमिलरली आपको भी पांच कमेंट जरूर करनी है ताकि मुझे ये पता चले आप सीख गए हैं यू माइट हैव दिस वीडियो यू माइट हैव रिटन अ कॉमेंट इन माई प्रीवियस वीडियो माई वाइफ माइट हैव वॉश्ड दिस कुर्ता माई डॉटर माइट हैव ब्रोकन दिस स्पेक्टिकल माई बार बार Might have cut my hair. तो ये मेरे शक करने के तरीके थे जिन पर मैंने शक किया मैंने तो आपको बताया अब मैं होप करता हूँ आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ये काम शायद किसने किया होगा तो बताने की टेक्निक बहुत सिंपल है समबडी माइट कि किसी ने ये काम किया होगा मेरी बहन ने शायद ये पैसे चुराए होंगे माई सिस्टर माइट है शायद ये लैपटॉप मेरी बहन ने यूज़ किया होगा माई सिस्टर माइट हैव यूज दिस लैपटॉप ये कार शायद पापा ने धोई होगी पापा माइट हैव वॉश दिस कार ये टिकट शायद मेरे हस्बैंड ने बुक किए होंगे माई हजबेंड माइट हैव बुकड दीज टिकट्स है ना बहुत आसान इंग्लिश सीखना तो वीडियोस को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक भी अक Hope this video will help you to speak English confidently and do subscribe to my YouTube channel Navya Educator for more videos. Thank you.